स्ट्रिंग को लेकर के पाइथन के अंदर फॉर लूप में हम रिपीट करवा सकते हैं स्ट्रिंग को, लेकिन यही चीज अगर व्हाइल लूप में यूज करना हो तो जनरली आप व्हाइल लूप में डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसी चीज को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इसको कि ये हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। रिपीट कैसे करेंगे, एक ऐसी वीडियो मैंने व्हाइल लूप की बताई थी आपको, जिसमें हम एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराते थे। ठीक है, तो ये रिपीट कैसे करेंगे आइए समझते हैं फॉर लूप के जरिए। ठीक है, तो यहां से पाइथन को मैं ओपन कर लेता हूं, ये लिखा मैंने पाइथन। ठीक है, और यहां पर पाइथन को ओपन करूंगा। देखिए पाइथन ओपन होने लगा है और ये पाइथन ओपन हो चुका है। अब यहां से फाइल पर जाना है, न्यू फाइल ले लेनी है हमें, न्यू फाइल ले लिया। अब हमको यहां पर क्या करना है, एक स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, ए नाम से एक स्ट्रिंग बनाते हैं। यहां पर मैं अपना ही नाम टाइप कर देता हूं, सूरज तिवारी लिख देता हूं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग हो गई, क्योंकि सेट ऑफ कैरेक्टर है तो आपको पता ही होगा कि ये स्ट्रिंग है, नहीं पता तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, और यहां पे एक वेरिएबल आई नाम से बना लेते हैं और यहां पे लगाते हैं रेंज। ठीक है, तो ये रेंज लगा दिया। अब यहां पे हम चाहते हैं कि चार बार ये नाम रिपीट हो। देखिए रेंज लगाएंगे तो ये देखिए यहां फाइव लिख दिया, अब ये नाम फोर तक चलेगा, जीरो से लेके फोर तक। ठीक है, तो यहां पे आप प्रिंट करवाएंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, ए को प्रिंट करवा देंगे। तो अब देखेंगे कि ये जो नाम है ना ये रिपीट होगा। अब कितने टाइम रिपीट होगा आइए देखते हैं। इसको पहले सेव करता हूं, repeat.py। ठीक है, इसी नाम से सेव कर लेते हैं। और ये जो है ना देखिए, ये देखिए ये पांच बार रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं। जीरो टू फोर किया तो सॉरी जीरो टू फाइव किया, यानी फाइव टाइम यहां पर रेंज किया तो एक माइनस कर देगा, जीरो टू फोर चलेगा। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये है चलेगा तो फाइव ही टाइम, लेकिन जीरो से लेकर फोर। अब देखिए यहां पर चेंजेस देखिए, यहां पर अगर मैं सेवन कर देता हूं तो ये एट टाइम चलेगा। ठीक है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो यहां पे सेवन लिखा है तो ये सेवन टाइम रिपीट करेगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से होगा। अब इसी चीज को व्हाइल लूप से बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ इस तरीके से प्रोग्राम लिख देंगे तो ये चल जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। कारण क्या है, जो लेस देन इक्वल टू होता है ना, ये जो साइन है जो मैंने लगाया है वहां पे, जो लेस देन इक्वल टू है ये स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करता है, जिसके वजह से जो है ये एरर आएगी, वो स्ट्रिंग को इस तरीके से सपोर्ट नहीं करता है। तो आप जब इसको चलाएंगे ना तो एरर आएगी। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये एक एरर मैसेज आपको आएगा, ग्रेट लेस देन इक्वल टू नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ str, str का मतलब होता है एंड इंट, str और इंट का मतलब होता है स्ट्रिंग और इंटीजर। ठीक है ना, तो इसमें सपोर्ट नहीं करता है ये। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर कोई नंबर आप लिख सकते हैं, कोई नंबर ले सकते हैं। ठीक है, या कुछ और ले सकते हैं। ठीक है, जो कि रिपीट आपको कराना हो कोई और चीज नंबर लेके रिपीट करा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं ले लेता हूं लाइक सपोज कीजिए, सबसे पहले तो ऊपर ए में रख लेता हूं, लाइक यहां पे देखिए यहां पे वन रख लिया। ठीक है, अब ये जो है प्रिंट करवाएंगे ना तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पे देखिए इसको मैं चलाता हूं और देखिए रिजल्ट आपके सामने होगा, और ये देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये नंबर को कंटेन करेगा, लेगा, सही चलाएगा, लूप चलेगा हमारा। अब यहां देखिए चेंजेस भी करके दिखा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे अगर सेवन कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए केवल लेस देन करूं मैं, लेस देन, तो ध्यान दीजिएगा लेस देन करेंगे तो सिक्स तक ये प्रिंट करेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, और ये देखिए ये यहाँ पे सिक्स तक प्रिंट भी कर रहा है। अगर आप चाहते हैं इसमें मल्टीप्लाई करना टू का, तो आप टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक तरह से टेबल ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए ये देख रहे हैं टू का टेबल एक तरह से प्रिंट कर रहा है, समझ रहे बात को, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।